सब्सक्राइब कीजिए मेरे जेनी एंड जेनी यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर सारे लेटेस्ट यूजफुल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डिजाइनर साड़ी लेकर आई हूँ जो कि आपके अपने घरों में बहुत ही आसानी से कैसे बना सकते हैं, आज मैं आपको ही बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आप देख पा रहे हैं ये ब्लू हैवी साड़ी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी साड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेस चूज करना है कि हमें उसका लेस कैसे बनाना है। तो मैं आपको बताऊं कि लेस हमें कैसे बनाया हुआ है, इसके अंदर क्या क्या ज्वाइन किया है, तो आपको मैं आपको बताऊं। आप इस लेस को ध्यान से देख लीजिए। इस लेस में एक दो और तीन, ये देख रहे हैं, एक दो तीन, तीन लेस को मिला के एक लेस बनाया गया है। जैसे कि मैंने पीछे भी कई बार ऐसे वीडियोज डाल के रखे हुए हैं जो कि लेस को मैंने जोड़ जोड़ के दो तीन चार लेस को जोड़ के एक हैवी लेस बनाया हुआ है। तो जस्ट सेम वैसे ही लेस बना हुआ है, तीन चार लेस जोड़ के देख रहे हैं आप, एक और ये बीच में गोल्डन, उसके बाद ये पिंक, बीच में ये पाइपिंग में डाली गई ब्लू कलर की। तो आप अपने हिसाब से पाइपिंग डाल सकते हैं। इस तरीके से ये तीन लेस को जोड़ करके एक हैवी लेस बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आप मार्केट में ये तीन चार लेस को जो भी आपके घर में अगर पड़ा हो, कई बार ऐसा होता है हमारी जो पुरानी साड़ियाँ होती हैं घर में, हमने उसको उसका लेस निकाल के यूज़ करते हैं, तो आप उस लेस को वेस्टेज बिल्कुल ना करें। आप उस लेस को यहाँ पर ज्वाइन करके एक नया हैवी लेस आप बना के आप किसी भी साड़ी में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि लेस में आप देख रहे हैं काफ़ी मिरर का भी वर्क है, तो आप ये मिरर का वर्क अपने घर पे भी चिपका सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने काफ़ी पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी है कि हमें इस ये मिरर का वर्क, मिरर हमें कैसे चिपकाना है, हमें स्टोन्स कैसे लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप देख पा रहे हैं इसके अंदर स्टोन का काम है। ये देखना, काफ़ी सारे स्टोन्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये स्टोन यहाँ पे, स्टोन यहाँ पे, मिरर है यहाँ पे भी, स्टोन्स का काम है। तो आप ये स्टोन अपने घरों में लगा के एक हैवी लेस तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम ये साड़ी कपड़ा, ये साड़ी मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल होती है जो कि आप अपने अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो जो भी कलर आपको चाहिए आप मार्केट में इसे इस साड़ी को उठा लीजिए। और उसके बाद में अब बात आती है भुट्टा, जो भुट्टा आप देखना अपने हिसाब से भुट्टा आप लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि ये छोटे छोटे भुट्टे एक एक रुपये के मार्केट में मिलते हैं, तो आप वो छोटे छोटे भुट्टे ले लीजिए। और साड़ी में जहाँ जहाँ भी आपको रखना है, जहाँ पे आपको देखना चाहिए वहाँ पे आप रख सकते हैं, या तो फिर आप पूरी साड़ी में भी रख सकते हैं, इसे चिपका सकते हैं, इसे सिल सकते हैं। तो जो भी आपको अपने हिसाब से जो भी आपको कम्फर्टेबल होता है आप उसे कर लीजिए। तो ये आपको मैं दिखाऊँ कि साड़ी में भुट्टे कितनी दूर कितने पास तक लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो जहाँ तक पल्लू में रखना वहाँ तक तो पूरे यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद से मैं यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। ये स्कर्ट है, तो स्कर्ट में सिर्फ नीचे नीचे ही रखा है, ये नज़दीक नज़दीक है, तो आप इसे अपने हिसाब से दूर दूर भी लगा सकते हैं। और देख रहे हैं आप कि पल्लू का जो लेस है इतना चौड़ा रखा गया है, और यहाँ पे जो है दो लेस को मिला के एक लेस बनाया गया है। तो अगर आप चाहें तो आप इस चौड़े लेस को भी यहाँ पे रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पतला लेस भी रखते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि पतला लेस रहेगा तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि जब प्लेट्स बनाते हैं तो पतला प्लेट्स बनाते हैं, और ये चौड़ा लेस होने की वजह से लेस ऐसे मोड़ना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप यहाँ पर पतला ही रखें, पल्लू में चौड़ा रखें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये हैवी साड़ी अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो मोती पिरोई गई है आप देख पा रहे हैं, मोती है यहाँ पर, ये मोती आप अपने घर में भी बना सकते हैं। अगर आपको इसको बनाने का रिक्वायर हो तो मैं इस मोती को पिरो के आपको दिखाऊंगी कि ये मोती कैसे हमें लगानी है। आप इसे किसी भी साड़ी में लगा सकते हैं, किसी भी लैस पे लगा सकते हैं, या फिर कहीं भी लगा सकते हैं, आप इसे नेक में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये साड़ी तैयार करनी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आसानी से अपने घर में तैयार कर सकते हैं।